एक्शन रोमांस से भरपूर मूवी, जी हाँ साइंस फिक्शन, जिस मूवी का इंतजार लोगों को लंबे समय से था, जी हाँ बात करें द गार्डन्स ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी की। तो ऐसे में जो 2014 में जब गार्डन्स मूवी की पहली सीरीज रिलीज हुई थी और दूसरी जो 2017 में रिलीज हुई थी, उसकी अपेक्षा इस फिल्म में क्या कुछ नया है और क्या कुछ नयापन लोगों को काफ़ी आकर्षित करेगा, ये जानने के लिए हम सीधे पहुंच गए कोलकाता स्थित मल्टीप्लेक्स में। तो चलिए जानते हैं पब्लिक से उनका रिएक्शन। I formed the Guardians. फिल्म बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, मतलब इमोशनल से लेकर ड्रामेटिक ऐसी हर एक चीज है। It was really very great movie and it was Guardians third movie after all. मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इमोशनल लगा और सेंस ऑफ ह्यूमर से भरा था, सो अच्छा लगा। रॉकेट का जो बैक स्टोरी दिखाया, इट वाज वेरी इमोशनल एंड या आई क्राइड अ लॉट व्हाइल वाचिंग इट, बिकॉज़ मतलब बहुत सेंटीमेंट्स जुड़े हैं मार्वल के कैरेक्टर्स से। आई एम ग्रूट। हां ऑब्वियसली दिस वन इज बेटर बिकॉज़ All the characters means personalities attached in this film, especially Drax and Rocket. पिछले गार्डियंस के मूवी से हम लोग कंपेयर करेंगे तो उतना ज़्यादा स्टोरी लाइन बिल्डअप नहीं है, बट द लॉयल फैंस विल अंडरस्टैंड हाउ मतलब डियर इट इज़ टू अस। बट रिसेंट जो मार्वल के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके कंपैरिजन में तो बहुत बेटर है। कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित किया आपको? रॉकेट ऑब्वियसली, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में तो एक ही कैरेक्टर है। स्टार लॉर्ड। रॉकेट ऑब्वियसली। रॉकेट। अगर 5 में से देना पड़े हम तो 10 देंगे। मैं 3.5 दूंगा। आउट ऑफ 5 आई वुड से इट्स 3.8 to 4। 5 में से 4.5 3.3 4.5 Spider-Man No Way Home has set the bar too high. No one is matching that. So we can't give 5 star to any film now. कौन सा सीन था सबसे ज़्यादा आपको भावुक किया? सीन्स एक तो नहीं था, लेकिन रॉकेट का जो लास्ट एक ऐसा सीन था जिसमें सॉरी हम टॉम हॉलैंड बन गए, टॉम हॉलैंड बन के स्पाइडरमैन का। गार्डन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से जिस तरह से लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी वो उम्मीद पे खड़ी उतरी है। जी हाँ लोगों को काफ़ी पसंद आई है और लोगों ने इस फिल्म को 5 out of 4.5 के लगभग स्टार्ट दिए हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं पूनम कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ बिग न्यूज़ कोलकाता। हम बस यही कहना चाहते हैं स्पॉइलर से दूर रहना है अभी जब तक का मूवी नहीं देख रहे हैं।